नाम जेपी शिवपुरी बा, हम भोजपुरी गायक बानी और आज हमन का बड़ा सौभाग्यशाली बानी के कि भोजपुरी के एक महान विलेन और खलनायक श्री बालेश्वर सिंह का जन्मदिन बा और हम सभी लोग इकट्ठा भइल बानी जा भैया का दुआ कल जाए भगवान से कि भैया जुग जुग जिए और यही तरह भोजपुरिया समाज का नाम रोशन करें। और छोटा सा कुछ हम कहल चाहता नहीं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे बालेश्वराने वाले हैं कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि बालेश्वर भैया भोजपुरी का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि भैया खूब तरक्की करें, आप पूरा भोजपुरिया के एकदम अपने जलवा से एकदम गदगद कर दें। ये हमनी के चाहत नहीं जाए, ये हमनी के विश्वास बा कि भैया ऐसे ही करिय। और सब लोगों से यह हमन के कहल जाए, जितना भी भोजपुरिया लोग बा, जितना समाज से जुड़ल लोग बा, सबसे यह हम सिंगर जेपी शिवपुरी आग्रह करब कि भैया के अपन इतना आशीर्वाद और दुआ दिया जा कि भैया भैया एकदम आगे तरक्की करें। जय समाज। नमस्कार भोजपुरिया भैया, हम है जीतू भोजपुरिया। आज हमन के बहुत खुशी के बात बा कि आज भोजपुरी के स्टार खलनायक बालेश्वर सिंह के बर्थडे में आयल बनी के और बर्थडे बहुत धूमधाम से मनावल गए है, बहुत अच्छा लगल है। भोजपुरी के कई सारे स्टार लोग आयल बा, मजा आयल है, बहुत धूमधाम से मनावल गए है। हम यह दुआ करब कि भोजपुरी के आने वाला कल भोजपुरी के सुपर डुपर जितनी इनके फिल्में आती हैं सारी सुपर डुपर हिट हो, एकदम दिल से दुआ है। छोटा भाई उनका दुआ कर सकता हूँ और बड़े भाई हैं उनसे आशीर्वाद का हर हमेशा कामना करता हूँ। दिल से दुआ करता हूँ कि आने वाला कल भोजपुरी का एक चर्चित स्टार खलनायक बने और इनकी आने वाली जितनी फिल्में हैं सब सुपर डुपर हिट हो। पहले तो सभी भोजपुरिया समाज को मेरी तरफ से नमस्कार। आज बड़े भाई बालेश्वर जी का बर्थडे में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और हम ढेरों सारी शुभकामनाएं उन्हें देना चाहेंगे। नमस्कार, सबसे पहले हम गायक भरत बागी आप सब श्रोता समाज के गोर छू के गोर लागत नहीं, और आज हमारे भोजपुरी के माने जाने एक्टर और विलेन हमारे बड़े भैया बालेश्वर सिंह जी का बर्थडे है और हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे और बहुत खुशियाँ है और बहुत अच्छी बात है। भैया का बर्थडे का सेलिब्रेट किए हम लोग, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे एक से एक कलाकार आए हुए हैं।